दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड रिपोर्ट जो कि होने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार कनेक्टिविटी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी, किसान भाइयों में काफ़ी कन्फ्यूज़न थी कि भाई RP पिलर है ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, सेंटर में है या कहाँ पर है, और इससे कितनी दूरी पर जो हाईवे निकलेगा किस तरीके से कहाँ से निकलेगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे एक सब्सक्राइबर विराट, तो विराट भाई ने हमारे साथ कुछ फ़ोटो शेयर किए, कुछ वीडियो शेयर किए, वो आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। और उनके अकॉर्डिंग जो उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि अब जितने भी एरिया है जहां से हाईवे निकलेगा वहां पर पिलर लगने शुरू हो गए हैं, जहाँ पर हर पिलर जो है 50 मीटर के डिस्टेंस पे है और उस पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ पिलर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि आपको अब एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि हाईवे कहाँ से निकलेगा। उसकी चौड़ाई 60 मीटर होने वाली है और अगर अभी आपके गांव में, आपकी लोकेलिटी में अगर पिलर नहीं लगे हैं तो घबराइए नहीं, काम शुरू हो गया पिलर लगाने का, जल्द ही आपके एरिया में भी लगेगी। तो चलो मैं आपको वीडियो और फोटो दिखाता हूँ जो मुझे विराट भाई ने भेजी है। तो ये देख सकते हैं विराट भाई ने भेजे, खेत में लगा हुआ है। एल मीन्स लेफ्ट साइड का पिलर है ये, और 3+740 मीन्स ये 3 किलोमीटर 740 मीटर जहाँ से हाईवे स्टार्ट होता है वहाँ से इसका डिस्टेंस होने वाला है 3 किलोमीटर 740 मीटर। तो वहाँ पर ये इस तरीके से लेफ्ट साइड में पिलर लगा, ऐसे ही राइट साइड का जो कॉर्नर होगा वहाँ पर भी इसी तरीके से एक पिलर लगा हुआ जिसपे R लिखा होगा, R 3+740। तो उनसे जब मेरी बात हुई, उनके खेत में शायद कल या परसों लग चुका था, तो उनके पास पिलर ख़त्म हो गए थे जो टीम आई थी लगाने के लिए, तो बाकी काम उन्होंने आज किया है, तो अब वो लगाते हुए जा रहे हैं। तो मे बी कुछ एक दिनों में, आने वाले सप्ताह में पिलर लगाने काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप सभी कन्फ्यूज़न जो है दूर हो जाएगी। ये है विराट भाई, मैंने उनके जो व्हाट्सएप पे है ये उन्होंने फ़ोटो लगाई हुई है। इन भाई का मैं बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे साथ ये प्रेशियस इन्फॉर्मेशन शेयर की, और कहीं ना कहीं इस वीडियो का जो क्रेडिट है विराट भाई को ही जाता है। तो उन्हीं का आइडिया है, उन्हीं की ये जो सोर्स है वीडियो की, फोटो की, इन्होंने ही मुझे दी है, तो इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो है, चला के देखते हैं इसको। ये देखिए मार्किंग की है सड़क पे भी इन्होंने, और ये यहाँ पे मशीन कुछ इनके पास पिल वो है, पोल टाइप में मशीन है जिसे चेक करते हैं कि कहाँ पर इन्हें पोल लगाने हैं। 3+740 एक वीडियो ये है, और एक और वीडियो है जहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, ये देखो पेंट से सड़क पे मार्किंग कर रहे हैं, एरो बना के साइकिल खड़ी कहाँ से साइंटिफिक वे में होता है काम, डिस्टेंस नापा जाता है। किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको। तो आपने देखा किस तरीके से मार्किंग की जा रही है, पिलर आपने देखा। तो अगर आपके एरिया में लग चुके हैं तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी, अगर नहीं लगे हैं तो प्लीज़ वेट कीजिएगा, आने वाले टाइम में आपके यहाँ पर भी अगर ये हाईवे निकल रहा है आपके खेत से, ज़मीन से, तो आपके यहाँ भी ये पिलर लग जाएगा। तो एक बार फिर मैं विराट भाई का थैंक यू करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।